जाओ जाओ स्टडी स्मार्ट नॉट हार्ड बिकम अ टॉपर स्कोर 90% गारंटीड। ऐसी वीडियोस आपको YouTube पे बहुत सारी मिल जाएंगी और बहुत सारे लोग आपको बहुत सारी स्टडी टेक्निक्स बता रहे होंगे, लेकिन आज मैं आपको उन स्टडी टेक्निक्स के बारे में बता रही हूँ जो पर्सनली मेरे लिए तो बिल्कुल भी वर्क नहीं की। इनफैक्ट मुझे वो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग लगती है। नंबर वन, न्यूमोनिक। किसी बुक में अगर किसी टॉपिक के न्यूमोनिक दिए हुए हैं तो सेंस बनाते हैं, लेकिन अगर आप स्क्रैच से बड़े बड़े सेंटेंसेस के और टॉपिक्स के न्यूमोनिक्स बनाने की कोशिश कर रहे हो तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है और कभी कभी हम जितना टाइम उसमें इन्वेस्ट करते हैं उतना तो वो इफेक्टिव होते भी नहीं है। नंबर टू, माइंड मैप्स। बहुत अच्छी चीज है, पूरे चैप्टर का डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है, लेकिन अगर चैप्टर बहुत लंबा है तो चैप्टर की हर लाइन इंपॉर्टेंट है तो माइंड मैप में कैसे आएगी। नंबर थ्री, लिसनिंग टू म्यूजिक वाइल स्टडिंग। यार बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगर आप स्क्रैच से पढ़ रहे हो और उसके साथ आप गाने चला रहे हो तो दिमाग गाने के लिरिक्स को प्रोसेस करेगा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक को करेगा, तो मल्टीटास्किंग इज अ मिथ। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ गाने मत सुनो। दीज वर माय टिप्स, आई होप यू एंजॉय, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।